तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सैंपलिंग की, राइट? तो सैंपल क्या होता है? देयर आर टू थिंग्स, वन इज सैंपल एंड अदर इज पॉपुलेशन। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। सो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, देन यू कैन आस्क। सो व्हाट इज सैंपलिंग और सैंपल? सो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कि सपोज वी हैव लाइक 100 करोड़ पॉपुलेशन और 140 करोड़ पॉपुलेशन लाइक इन इंडिया, एंड वी वांट टू स्टडी कि द पर्सन जो भी है हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन सारे लोगों को किसी एक करेक्टरिस्टिक, सपोज लास्ट 2-3 क्लासेस में मैंने लिया था, आपको बोला था कि इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट लिया था। तो अब सारी की सारी पॉपुलेशन जिस करेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, वो हम ये मान के चलते हैं कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसको हम बोलते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो प्लस माइनस 3 सिग्मा पे होता है। बीच में यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड रहता है। कहने का मतलब है इस मीन मीडियन मोड के आसपास ही 95% पॉपुलेशन टू 99% पॉपुलेशन, अगर इसको भी हम 3 सिग्मा को भी इंक्लूड कर ले, तो यहाँ पे रहता है, राइट? एंड ये भी माना जाता है कि जो भी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी है, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कि इसमें इसके अकॉर्डिंग सारी पॉपुलेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कुछ बहुत ही हाई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ उससे कम है, ज्यादातर एवरेज इंटेलिजेंस वाले जो ये एरिया है, एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, कुछ उससे कम है और कुछ बहुत कम है, जिनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल बोलते हैं। इसी तरीके से सारी की सारी पॉपुलेशन इसी तरीके से डिवाइडेड है, ये हम मान के चलते हैं। अब आता है स्टडी करने की बात। अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि कोई भी एक करेक्टरिस्टिक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसका क्या इंपैक्ट है, तो अगर मैं ये कहूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसका उन इंडियन पॉपुलेशन का जो आईक्यू है, वो किसी और सब कॉन्टिनेंट और कंट्री से ज्यादा है या कम है, एवरेज ज्यादा होता है या कम होता है, मुझे ये देखना है फॉर एग्जाम्पल। सो क्या हम इन 140 करोड़ लोग जो हैं, है ना, जो भी हैं, अरब खरब जो भी है लोग हैं, इनको इनको हम इनका आईक्यू अगर टेस्ट करना चाहें तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप 10-10 मिनट भी लगाएंगे किसी पे, सपोज देर इज ए टेस्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, तो आईक्यू में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमने मान लिया कि सपोज 10 मिनट भी लगता है, और इन सारी की सारी पॉपुलेशन का अगर आप आईक्यू असेसमेंट करेंगे, तो क्या बढ़ जाएगा? सबसे पहले आपका टाइम, टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मनी यानी एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, है ना? तो टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, और जब तक वो रिजल्ट आएंगे, हो सकता है ये पॉपुलेशन चेंज हो जाए, 140 की जगह 150 या 170 हो जाए, या 200 में चेंज हो जाए, या इनमें से कुछ लोग कहीं और चले जाए, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट को भी वो चेंज हो जा रहा है। पता चला आपको 10 साल 20 साल लग रहा है ये काम करने में, तो कोई फ्रूटफुल नहीं है वो आपके लिए, क्योंकि तब तक करेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल में चेंज। अब इस समस्या से बचने के लिए स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, कि जो रिसर्च करते थे उन्होंने क्या किया कि 140 हम नहीं लेंगे लोगों को 140 करोड़ है समझ लो, सो अगर ये लोग हैं 140 करोड़ लोग हैं, तो इन 140 करोड़ लोगों को, सारे लोगों को हम नहीं ले रहे। अब हमने ये डिसाइड कर लिया, इसमें से कुछ लोगों को हम ले लेंगे अपने स्टडी के लिए, देखने के लिए। तो
जो इसमें से सपोज 140 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ले लिए इन्होंने, या 1,000 10,000 व्हाटएवर इट इज उन्होंने ले लिए, तो ये जो 1 करोड़ है ये हमारा सैंपल है। अब इस 1 करोड़ को हम इजीली 6 months 1 year में कर सकते हैं, इसको करने में हमें हो सकता है 10 years लगते हैं, है ना। तो इस 1 करोड़ को हम सैंपल बोलते हैं। कुछ स्टडीज पूरी पॉपुलेशन पे होती है, लेकिन जो हम रिसर्च करते हैं सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स, इनमें यूजुअली हम सैंपल लेते हैं। अब एग्जांपल मैं बताता हूं पूरी पॉपुलेशन पे क्या करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जनगणना जिसको हम बोलते हैं, सेंसस होते हैं। सो अब वो उसमें हम एक एक हर 10 साल 15 साल जब भी करती है गवर्नमेंट, तो हर एक एक घर में जाके सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो दैट इज ए स्टडी डन बाय पॉपुलेशन ऑन पॉपुलेशन। अब इसके फायदे भी हैं, क्योंकि जब आप 140 में से 1 करोड़ लोगों को ले रहे हैं, तो उस दिन मैंने बात की थी जनरलाइजेशन की, तो जो रिजल्ट हमारे आएंगे वो इनके लिए कितने ठीक है उसमें गैप हो जाएगा, गैप रहेगा उसके अंदर कि भाई हो सकता है कुछ डिफरेंस भी है। लेकिन जब हम सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर ही कर रहे हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे, तो पॉपुलेशन में और क्योंकि पॉपुलेशन और सैंपल हमारा एक ही है, तो हमारी फाइंडिंग्स जो होंगी वो बहुत ही एक्यूरेट होंगी। लेकिन जब हम सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस हो सकता है सारे की जो बात हम कहें सैंपल के बेस पे वो सारे के सारे पॉपुलेशन के ऊपर लागू ना हो। वी कैन नॉट से कि भाई ये एग्जैक्टली ऐसा होगा। दैट इज व्हाई व्हेन वी डू स्टैटिस्टिकल रिसर्च तो वी ट्राई टू फाइंड आउट एरर्स का पॉसिबिलिटी क्या है। तो हम कहते भी हैं कि 0.8 सिग्निफिकेंस आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 80% चांसेस हैं कि जो पर्सन है जो रिजल्ट है वो हमारी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये गैप का चांस बढ़ जाता है। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. है ना, कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. क्योंकि यही सारा आएगा आपका सैंपलिंग में, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ जो भी आएगा वो सैंपल में यही आएगा जो आपको समझना है। और ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सैंपलिंग आप अपने आप से भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि दैट इज वन थिंग इज पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं? बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट एक तो, दूसरा क्या है कॉस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को हमारा सैंपल बचाता है। ठीक है, अब लेकिन सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं करना, मतलब गैप हो सकता है इसके जो रिजल्ट है इसमें जो पॉपुलेशन पे अगर हम रिसर्च करें और सैंपल के रिजल्ट पे, तो इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे कि अगर इनका आईक्यू हमने देखा कि ज्यादातर लोगों का आईक्यू हाई है, और तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन जनरलाइजेशन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का आईक्यू भी, इस पॉपुलेशन का आईक्यू भी हाई होगा, लेकिन इसमें 10% 20% की गलती भी हो सकती है। देयर आर चांसेस ऑफ एरर, इसीलिए स्टैंडर्ड एरर ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो बात की बात है, वो स्टैटिस्टिक्स में हम करेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो स्टैटिस्टिक्स भी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये? अब एक चीज होती है जो ये एरर क्रिएट होती है ना, इस एरर को हम बोल देते हैं सैंपलिंग एरर। जो पॉपुलेशन से सैंपल में सैंपल हम लेते हैं उसमें एरर के चांसेस होंगे, कोई जरूरी नहीं कि 100% ये रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को, तो इसी को हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर कि सैंपल करने में हमसे गलती हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। अब क्वेश्चन आता है इस सैंपलिंग एरर को कैसे हम मिनिमाइज करें,
ये रिसर्चर का काम होता है कि सैंपलिंग एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे इंडिया है, हमने रिलायबिलिटी वैलिडिटी में भी बात की थी। अब इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल सिचुएशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई टेस्ट या कोई रिसर्च सपोज राजस्थान में किया, कहाँ किया, राजस्थान में, जो एक हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी में भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, कल्चर डिफरेंट है। दूसरा आपने किया गुजरात में, तीसरा आपने किया महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब इन तीनों के तो अलग अलग हो गए पॉपुलेशन। तो अब हमारे पास एक तो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए करें, राजस्थान से सैंपल लें, क्योंकि हम राजस्थान के लिए टेस्ट बना रहे हैं, राजस्थान की पॉपुलेशन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हम गुजरात का ले रहे हैं, हमारा का सिमिलरली हम वो ले सकते हैं। अब क्या आता है कि अगर आपको राजस्थान में, सपोज आपने राजस्थान में किया कर रहे, अब राजस्थान में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, अब राजस्थान का वो एरिया जो गुजरात से लगता हुआ है, वो एरिया जो हरियाणा से लगता हुआ है, वो एरिया जो यूपी से लगता हुआ है, वो एरिया जो पंजाब से लगता हुआ है, इनका कल्चर डिफरेंट होगा या इनका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लें, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम नहीं लेंगे तो सैंपलिंग एरर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, और हम बायस्ड भी हो सकते हैं। पता चला आप राजस्थान से हो और राजस्थान के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, लेट से आप झुंझुनू में रहते हो या आप जयपुर में रहते हो, कहीं एक जगह रहते हैं। तो अगर जब आप वहां रह रहे हैं तो आप, आपको सैंपल कलेक्ट करना है, पता चला आपने सारा का सारा सैंपल कहां से कलेक्ट कर लिया, जयपुर में रहते हैं, जयपुर में आसपास लोग मिल गए, उनका आपने कर लिया, तो आपकी स्टडी गड़बड़ जाएगी, बायस्ड होगी, बिकॉज जिनको आप जानते हैं सिर्फ आपने उनको लिया, और आपका एक सोशल बैकग्राउंड है, आपकी एक क्या कहते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, तो आपके जो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स बाकी लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट उसी से लोग, उसी तरह के लोग होंगे, मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा, तो वो सैंपलिंग गलत हो जाएगी, है ना। तो या तो हम अलग अलग जगह से लें, सेंट्रल राजस्थान से, पंजाब के पास से, इसके क्या कहते हैं राजस्थान यूपी, जहां मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने डिसाइड कर लिया कि 10-10 सैंपल्स है या 30-30, 40-40 सैंपल्स लेने हैं हमें, तो आपका जो सैंपल है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर इंडिया में करना है और इंडिया के किसी स्टेट में तो आप रहते होंगे, तो आपने पूरे इंडिया पे रिसर्च करनी है, लेकिन आपने सैंपल सिर्फ और सिर्फ कहां से ले लिया, राजस्थान से ले लिया, या जहां भी आप रहते हैं वहां से ले लिया, और आप कह रहे हैं कि आपकी नेशनल स्टडी है, तो कैसे होगी, क्योंकि आपका नहीं होगी, वो एरर रहेगा। तो इट मींस कि आपके, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर होगा। अब इस दो चीजें हैं, बायस हो सकते हो आप, है ना, उसकी वजह से भी गलतियां हो सकती हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, means to solve the sampling error problem, researchers or statisticians, they have made different kind of sampling method. कि किस तरीके से हम एक representative sample लें जिससे कि हमारी जो study हो वो ठीक हो, कम से कम एरर के चांसेस हो, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं होगी, लेकिन मिनिमम चांसेस हो, आपके रिजल्ट जो है वो ज्यादा वैलिड होंगे अगर आप प्रॉपर सैंपलिंग करेंगे तो। क्लियर है ये बात, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना,
ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम किताबों के पीछे भागने लगते हैं तो वो कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग एंड सारी चीजें। अच्छा, एक इसमें और कॉन्सेप्ट जो रहता है, क्योंकि भाई आपका कुछ एजम्पशंस होते हैं, जैसे एजम्पशंस क्या है, सारी की सारी जैसे इस तरह की स्टेटिस्टिक है वो किस पे है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो बीच में सबसे ज्यादा लोग हैं, ये एक्सट्रीम्स आपके हैं, इस तरीके से सारे कैरेक्टर से सारी पॉपुलेशन डिवाइडेड है, ये हमारा एजम्पशंस रहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ये हमारा एजम्पशन होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि सैंपलिंग मेथड्स या सैंपलिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से सैंपल है, सैंपल में एरर होने के चांसेस हैं, इस एरर को कम करने के लिए हम कुछ डेफिनेट सैंपलिंग मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि जब हम सैंपल पे कोई रिसर्च करें उसको हम जनरलाइज कर सकें हमारी पॉपुलेशन के ऊपर। तो हाउ टू सेलेक्ट सैंपल, उस प्रोसेस को जो गाइड करता है दैट इज सैंपलिंग मेथड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सैंपलिंग मेथड है सैंपलिंग डिजाइन यू कैन से। तो व्हाट इज सैंपलिंग डिजाइन, सैंपलिंग समझ में आ गया। तो सैंपल डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। सो वॉट एवर द गिवन पॉपुलेशन, सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी डिप्रेसिव पेशेंट्स एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू ए सर्टेन काइंड ऑफ इंटरवेंशन, यानी एक स्पेसिफिक तरीके की ट्रीटमेंट पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिप्रेसिव पेशेंट्स। अब ये डिप्रेसिव पेशेंट्स में से सैंपल आपको लेना है। अब ये सैंपल ये आपकी पॉपुलेशन हो गई, अब उस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करना है। अब सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे, पता चला आप प्राइवेट क्लिनिक में बैठ गए कहीं पे और आपने सैंपल ले लिया 50 लोगों का और आपने बोला कि मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूं, तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक से पेशेंट्स लिए हैं रिसर्च के लिए डिप्रेशन के, तो गेस व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल फेस, क्या होगा बताओ, क्या एरर होने के चांसेस हैं। एनीवन प्लीज बोलो, आप रिस्पॉन्ड करो, गलत होगा कोई बात नहीं है, दैट इज नॉट ए सर। ऐसा हो सकता है कि यस मुनी जी यू कुछ आर सेइंग समथिंग, ऐसा भी हो सकता है कि वहां क्या पर कह रहे हैं, फेक केसेस अवेलेबल हो या उनके थ्रू प्रॉपर हम बताए कि इवैल्यूएशन नहीं हुआ था तो हमको उनका डेटा प्रॉपर नहीं मिलेगा। नहीं, सबसे पहला देखो तो फेक केसेस तो नहीं होंगे, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे ही आपने प्राइवेट क्लिनिक की बात कर दी तो क्या हुआ, आपको जो पेशेंट्स मिलेंगे वो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास या ऊपर वाले मिलेंगे, नीचे के मिलेंगे ही नहीं। आपका सैंपल बायस हो गया, क्योंकि प्राइवेट हम जानते हैं हमारे यहाँ पे प्राइवेट की फीस ज्यादा होती है और जो लोअर मिडिल हाँ जी, क्लास या उससे नीचे के लोग हैं दे विल नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो आपको आपने अपने सैंपल से एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को गायब कर दिया, तो आपकी स्टडी अब रिप्रेजेंट करेगी सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को, तो ये एरर हो जाएगा। तो जब ओके आपको ओके ओके सर। है ना, जब आपको सैंपल लेना है, मतलब ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे और भी चीजें होती हैं। तो अब इसी तरीके से जैसे आपने क्या कहते हैं, कोई और चीज अगर आपको स्टडी करनी है डिप्रेशन पे, तो आपको आपके सैंपल में प्राइवेट क्लिनिक से भी होने चाहिए, छोटे शहर से भी होने चाहिए, गवर्नमेंट क्लिनिक से भी होने चाहिए, सो दैट आपका जो ग्रुप है सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, वरना वो डिप्रेसिव पेशेंट का, भाई डिप्रेशन कोई सिर्फ और सिर्फ
हायर मिडिल क्लास को तो होता नहीं, किसी को भी हो सकता है, दैट इज ए बीमारी जो 2-3% लोगों को होती है, और लाइफ में एक बार हर एक हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन फील करता है, होता है उसको। तो अब समझ में आ रही है बात जो मैंने कहना चाह रहा हूँ, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब है तो वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द थिंग्स। और ये रिसर्च एक अच्छी चीज है, डरते हैं हम कई बार इसको पढ़ने में, रिसर्च अच्छी चीज इसलिए है कि सपोज यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन यूज दीज प्रिंसिपल्स टू स्टार्ट एनीथिंग और एनालाइज योर ओन सेल्फ, और यू आर सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस सपोज, ठीक है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट साइकोलॉजी नहीं कहते हम, कहते हैं कुछ और करना है आपको, तो आप देखोगे पहले कि भाई आप क्या करना चाहते हो, जैसे रिसर्च टॉपिक आप चूज करते हो, फिर आप देखना देखोगे कि आप क्या करना चाहते हो, और लोगों ने क्या किया, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करते हैं, और लोग कौन से हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे इसके, आप जहां काम करना चाह रहे हो क्या वहां पे वो चीज की जा सकती है, आप सही पॉपुलेशन चूज कर रहे हैं जहां पे काम आप करेंगे और आपको क्या कहते हैं बिजनेस मिलेगा। सो सिमिलरली फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो यू कैन यूज द स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च एंड वो, बिकॉज इट हेल्प अस टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग थिंग्स। सो ये आपको वो इस उसमें भी हेल्प करता है। सो दैट सो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है, आगे चलें। सो इट रिफर्स टू टेक्निक और प्रोसीजर, द प्रोसीजर द रिसर्चर्स वुड अडॉप्ट इन सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर द सैंपल। अब सैंपल आइटम ना, सैंपल में जो लोग हैं उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे, सैंपलिंग डिजाइन हमारा ये गाइड करता है। तो सैंपल डिजाइन में एज वेल एज ले डाउन द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, द साइज ऑफ द सैंपल। सपोज आपको 100 लोगों आपकी पॉपुलेशन यानी डिप्रेशन के पेशेंट, हमने पता लगा कि पूरे इंडिया में 1,00,000 हैं, तो अब उस 1,00,000 पेशेंट्स में से आपका सैंपल कितना होना चाहिए, इसमें भी हेल्प करता है सैंपल में कि कितना सैंपल आपको लेना चाहिए। उसी तरह से अगर 1 करोड़ है तो कितना लेना चाहिए, 50 लोग हैं तो वो कितने लेने चाहिए आपको, सो उसमें आपको हेल्प करता है। तो सैंपलिंग डिजाइन इज how to select samples. Sample design is determined before data are collected. बिल्कुल differently, data आप collect कर लेंगे उसके पर बात थोड़ी, data sample design आप करेंगे, sampling करेंगे, data collect करने से पहले करना पड़ेगा हमें। There are many sample designs from which researchers can choose. Depending on your population, you will decide कि कौन सा sample design आप use करोगे, है ना। लेट्स से कि आपके पास, जैसे मैंने बोला डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, तो आपने ये पॉपुलेशन चूज कर ली, अब नाउ यू हैव टू चूज दिस सैंपल्स, सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन इज देयर इज 1,00,000 पॉपुलेशन ऑफ डिप्रेशन पेशेंट्स सपोज। सो अब वहां से सैंपल्स आपको सेलेक्ट करना है, तो नाउ यू विल लुक इनटू कि भाई ये सारे के सारे पेशेंट एक ही स्टेट के हैं, बस जैसे पहले एग्जांपल मैंने दिया था, सिर्फ राजस्थान के हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम कैसे सेलेक्ट करें कि जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आ जाए, सब जगह के लोग इंक्लूड हो जाए उसके अंदर, या सबके पास बराबर चांसेस हो इंक्लूड होने के, जिससे हमारा जो क्या बोलते हैं सैंपल हो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ हो, ठीक है। रिसर्चर्स मस्ट सेलेक्ट प्रिपेयर ए सैंपल डिजाइन व्हिच शुड बी रिलायबल एंड एप्रोप्रिएट फॉर हिज रिसर्च स्टडी। तो आपको वो पता चला डिप्रेशन पे करना है, आपने एंजाइटी के पेशेंट भी उसमें डाल दिए, या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट भी आपने उसमें से कुछ, तो क्या होगा आपकी स्टडी बेकार होगी, बिकॉज योर गोल वॉज समथिंग एल्स। सो कैसे हम रिलायबल सैंपल चूज करें, एप्रोप्रिएट सैंपल चूज करें अपनी स्टडी के लिए, जिससे हमारा जो स्टडी का रिलेवेंस है वो बना रहेगा, जो हमारा गोल है वो हम कर सकते हैं। अब स्टेप्स इन सैंपल डिजाइन और सैंपलिंग दोनों एक ही चीजें हैं,
कि क्या हो सकता है, टाइप ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एनी सैंपल डिजाइन टू क्लेरिफाई डिफाइन द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक्निकली कॉल्ड द यूनिवर्स टू बी स्टडीज विद स्टडीड विच कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाहते हैं। जैसे पहले के एग्जाम्पल में हमारा क्या हुआ, क्या था, डिप्रेसिव पेशेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी हैव टू डिसाइड अवर यूनिवर्स पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, तो वी हैव टू डिसाइड। अब आपने डिप्रेशन के क्लाइंट्स लिए तो हर दूसरा आदमी आके बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूं, तो क्या आप उसको सैंपल में इंक्लूड कर लेंगे? एनीवन, कोई रिस्पॉन्ड करेगा? भाई हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन है। तो अब आपने अगर डिप्रेशन लिया है तो डिप्रेशन किस बेस पे डायग्नोस होगा, बोलो कौन बताएगा? कैसे हमें पता लगेगा ये पर्सन डिप्रेशन का ही है या जो हमने रिसर्च में लिया है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे? आप सारे लोग क्लिनिकल के हो, बोलो बताओ कैसे हम करेंगे? बोलो भाई। सर स्केल यूज करेंगे, हैमिल्टन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल डायग्नोस नहीं करता है कुमार, रेटिंग स्केल सिर्फ और सिर्फ आपको सीवियरिटी बताता है, वो डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। हम डिप्रेशन की बात करें, क्लिनिकल डिप्रेशन की, कैसे डिसाइड करेंगे किसी को डिप्रेशन है या नहीं है? जी अनिल जी। जी सर, आई हैव नो आइडिया। शोभा मैडम आप हैं लाइन पे, बताएं। अमित जी, भाई कैसे डायग्नोस कैसे करते हो केस को? आईसीडी डीएसएम का क्राइटेरिया यूज करते हैं, आईसीडी का तो पूरा अलग ही है, डीएसएम का भी है, रिसर्च क्राइटेरिया अलग हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं। तो डायग्नोसिस अब हो गया कि भाई आईसीडी या डीएसएम जो भी आप, आईसीडी डीएसएम तो पता है ना आप लोगों को? यस सर। तो आईसीडी डीएसएम के क्राइटेरिया के बेस पे आप डिसाइड करोगे किसको डिप्रेशन है कि नहीं है। अब कौन डिसाइड कर सकता है? या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल जो इनको ट्रीट करते हैं, जो इनको डायग्नोस करते हैं। तो आप अपने सैंपल क्राइटेरिया के सबसे पहला तो यूनिवर्स ये हो जाएगा कि भाई हम वो केसेस लेंगे जो डायग्नोस्ड हैं बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, जिनको डायग्नोस्ड क्लिनिकल डिप्रेशन है। इसको हम बोलते हैं डिफाइन करना। हाँ जी अनिल, आप कुछ बोल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या चीज है कि भाई कैस अपने पॉपुलेशन को डिफाइन करो, क्या करना चाह रहे हो, किसको लेना चाह रहे हो? डिप्रेशन को लेना चाह रहे हो, कैसे लोगे? डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन को कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं हमारे सैंपल में गलत लोग आ जाएं, हमारी स्टडी खराब हो जाएगी। तो ये डिफाइन करना टेक्निकली, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप इज क्लियरली डिफाइन द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने लोग होंगे, टेक्निकली कॉल्ड द यूनिवर्स, यानी डिप्रेशन जैसे यूनिवर्स क्या, पॉपुलेशन मतलब वो हो गया, टू बी स्टडीड विच कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है ना। तो ये सारी चीजें तो हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी पॉपुलेशन है, कैसे आप उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करोगे, क्या आपका क्राइटेरिया होगा, देन ओनली यू कैन चूज द राइट सैंपल। एंड द सेकेंड थिंग क्या है, सैंपलिंग यूनिट। देखो अगर कहीं कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप इमीडिएटली अपना माइक ऑन करो और पूछो। इसको ग्राफिक में करेंगे सर? ग्राफिक में करेंगे क्या, समझा नहीं मैं अनिल जी।
हम ये पूछ रहे हैं सर कि मतलब आप बोल रहे हो कि ये बोलिए बोलिए शो किस चीज में, इसको शो किस चीज में करेंगे? जब आप रिसर्च करते हो तब आपको बताना पड़ता है ना, आप पीएचडी कर तो करो या आप अभी ग्रेजुएशन करोगे एमफिल का फाइनल ईयर में, तो आपका बताना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस डिप्रेशन पे स्टडी कर रहे हैं तो सैंपल क्यों सिलेक्ट किया, यही सैंपल क्यों किया, कैसे डिसाइड किया कि ये आपका डिप्रेशन है कि नहीं है, ये सब चीज वहाँ पे लिखी जाती है आपके, चाहे आप पीएचडी करें चाहे या जो भी डिप्रेशन की जगह कुछ और भी हो सकता है जो आप जिस पे आप पीएचडी कर रहे हैं या डिसर्टेशन कर रहे हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है रिसर्च में, ठीक है? ओके सर। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी गाइडलाइन के या अपने मन से कर देंगे, है ना, सारा स्टेप बाय स्टेप होती है चीजें, ये क्लियर है? किसी और का क्वेश्चन कोई? ओके सर, ओके जी सर। तो अब आते हैं सैंपलिंग यूनिट पे। व्हाट इज सैंपलिंग यूनिट? A decision has to be taken concerning a sampling unit before selecting the sample. Sampling unit may be geographical one such as state, district, village, or it may be social unit such as family, club, schools, or it may be a individual. Sampling unit का मतलब जो आइटम आप सैंपल में सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक इंसान भी हो सकता है, आप फैमिलीज पे स्टडी कर रहे हैं तो आपने 10 फैमिलीज ली तो एक यूनिट में, एक यूनिट का मतलब एक फैमिली, आपने 10 लोगों को लिया तो एक यूनिट का मतलब एक पर्सन, आपने 10 गांवों को लिया, विलेजेस को लिया कि इन पे मैं स्टडी करूंगा तो एक एक विलेज आपका एक यूनिट कहलाता है, उसको हम सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है? तो उसको हम एक यूनिट बोलेंगे कि अगर हमारा सैंपल 100 का है तो इसका मतलब उसमें 100 यूनिट्स, 100 इंडिविजुअल, 100 फैमिलीज या फिर जो भी यूनिट आपने ली है वो उसको हम सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं, द रिसर्चर विल हैव टू डिसाइड वन और मोर ऑफ सच यूनिट्स दैट ही हैज टू सेलेक्ट फॉर हिज स्टडी। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी यूनिट्स लेंगे, मतलब कितना सैंपल लेंगे, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, कितना कितना बड़ा सैंपल आप लेंगे, ठीक है? अब थर्ड स्टेप है, हमें आपको जो पता होना चाहिए वो ये है, इट इज ऑल्सो नोन एज सैंपलिंग फ्रेम फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी ड्रॉन। सैंपलिंग फ्रेम क्या हो गया कि आपका जो पॉपुलेशन है यानी जहां से आप पॉपुलेशन है ले गए, इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। अब आपको 10 फैमिलीज लेनी है तो उन 10 फैमिलीज की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इफ सोर्स लिस्ट इज नॉट अवेलेबल रिसर्चर हैज टू प्रिपेयर इट। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले तो डेटा निकालो कि भाई अगर मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में 100 जो विलेजेस हैं उनमें स्टडी करना है, या जो हमारे हॉस्पिटल हैं पूरे हमारे सिटी में 10 हॉस्पिटल्स हैं साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, तो वहां से मुझे कितने कितने पेशेंट वहां पे आते हैं, कितना कितने लोग वहां पर डे आते हैं, कितने डायग्नोस होते हैं, आप कहां से कितना सैंपल लेंगे, तो वो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, सैंपल बनाना पड़ेगा कहां से आप सैंपल लेंगे, ठीक है? सच ए लिस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, करेक्ट, रिलायबल एंड एप्रोप्रिएट। अब वो लिस्ट क्या हो सकती है? गवर्नमेंट स्कूल्स की, सपोज गवर्नमेंट स्कूल पे आपको कोई रिसर्च करना है, या आपको गांवों पे रिसर्च करना है तो गवर्नमेंट से वो लिस्ट आपको मिल सकती है फॉर रिसर्च पर्पस कि भाई ये इतने गांव हैं, या समटाइम ऑनलाइन अवेलेबल होती है हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, या जहां या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना है तो वहां आप अप्रोच कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं कि आप आपके पास लिस्ट आ जाएगी कितने लोग डायग्नोज हुए क्या हुआ, सो दैट काइंड ऑफ वर्क वी हैव टू डू। और वो रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से जो मिल गया कर लिया, नहीं कर सकते। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सोर्स लिस्ट टू बी एज रिप्रेजेंटेटिव एज द पॉपुलेशन एज पॉसिबल। तो रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब है कि जैसे मैंने बोला, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक से ले रहे हैं पेशेंट्स तो आपको गवर्नमेंट से भी लो, क्योंकि प्राइवेट वालों भी जो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, और गवर्नमेंट से भी लो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका भी आ जाए, है ना, कोई एनजीओस में ट्रीटमेंट चलता है कहीं पे वो भी हो जाए, वो सर तो सारी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होनी चाहिए। कोशिश करनी है कि सारी चीजें रिप्रेजेंट, कि तभी हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे क्या कहते हैं पॉपुलेशन के लिए, नहीं तो हमारे रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं। देन आता साइज ऑफ सैंपल। अब हम कितना बड़ा सैंपल लें ये भी है, क्योंकि आप ये मान के चलो बिगर द सैंपल बेटर द रिजल्ट्स,
लेकिन जैसे हमने बोला कि सारा का सारा तो नहीं ले सकते, लेकिन जितना बड़ा सैंपल पॉसिबल है उतना बेहतर रिजल्ट्स आपके आते हैं। उतना बेहतर रिजल्ट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपका उतना ही रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी पॉपुलेशन का, उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करेगा उस पॉपुलेशन का। जनरलाइज करना इजी हो जाएगा आपके लिए। द साइज ऑफ सैंपल इज दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स टू कॉन्स्टिट्यूट ए सैंपल। This is a major problem before a research. The size of the sample should be neither be excessively larger nor too small. Na to bahut chota na bahut bada. Bahut bada le loge again wahi problem hai. Money investment bahut zyada hoga, time bahut zyada lagega. Jab tak aap result uska nikal ke laoge tab tak wo population ki characteristics bhi change ho sakti hain. Ab aaj 2 saal ka bachcha jo hai ya 10 saal ka aadmi jo aaj hai ya 20 वो 20 साल, अब आपने 20 साल स्टडी में लगा दिए तो उसके लिए तो कोई बेनिफिशियल रहा ही नहीं उस पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सारा चेंज हो गया। 20 साल से आप रिसर्च कर रहे थे तो रिजल्ट इनवैलिड हो गया आपके। तो बहुत बड़ा सैंपल अगर हम ले लेंगे तो इसलिए रीजनेबल सैंपल हमें लेना चाहिए। इट शुड बी ऑप्टिमम। एन ऑप्टिमम सैंपल इज वन व्हिच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड रिलायबिलिटी। कौन होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है और रिलायबल सैंपल हो, उसको हमें लेना था। कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। सैंपलिंग प्रोसीजर। फाइनली द रिसर्चर मस्ट डिसाइड अबाउट द टेक्निक टू बी यूज्ड इन सैंपलिंग, यूज्ड इन सिलेक्टिंग द आइटम्स फॉर द सैंपल। तो अब किस तरीके से आप सैंपल्स चूज करेंगे, है ना, वो डिसाइड होता है आपका सैंपलिंग प्रोसीजर। मतलब ये सैंपलिंग डिजाइन ही है कि कैसे आप उसमें से सैंपल निकालोगे। अभी आते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। There are several designs out of which researcher must choose one for his study. Obviously, he must select the design which has smaller sampling error. अब sampling error मुझे बता दीजिए कि मतलब ज़्यादा better representative हो, इसमें कम से कम sampling error होने की chances हो। अब इस पे आने से पहले मैं एक example के through आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कैसे सैंपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं या कैसे हम सेलेक्ट करते हैं इन जर्नल। देन वही टेक्निक्स हैं जो हम आगे भी आपसे बात करेंगे, है ना। अब ये हमारा ये पॉपुलेशन है हमारी जहां से हमें लेना है सैंपल, ठीक है। ये क्यों हो गया, ये आपका पॉपुलेशन है, लेट्स से ये डिप्रेशन है, है ना। मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाना मेरी। तो अब हमने डिप्रेशन का जो एग्जांपल लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें डिप्रेशन पे असेस करना है सपोज राजस्थान। तो हमने एक तो डिसाइड कर लिया राजस्थान पे हमें रिसर्च करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब राजस्थान में कुछ बड़े शहर हैं, कुछ छोटे शहर हैं, है ना। और सपोज इकोनॉमिक वाइज हमने कर लिया तो हमने प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, एनजीओस, यहां से डिप्रेशन के पेशेंट हमने डिसाइड किया। यही तीन जगह है जहां पे वो अप्रोच करेंगे, मान लिया हमने। तो हमने प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओस, इनसे हमें कलेक्ट करना है हमारा डेटा। तो अब हमें देखना है कि प्राइवेट क्लिनिक ये वाले और ये वाले लोगों को तीनों जगह से लेंगे तो गवर्नमेंट से हमें, तो हमारी पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग आ गए, इसमें भी लो एनजीओज में भी आपको वही मिल जाएंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में आपको हायर और मिडिल क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
अब कौन सा हमें सुटेबल करता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये राजस्थान है सपोज, और यूजली सारे स्टेट्स में से होता है, जैसे ये हो गया ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा हो गया एक राजस्थान का, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके सबके कल्चर अलग है, जियोग्राफिकल सिचुएशन अलग अलग है। तो हमने डिसाइड किया कि हमें 100 लेना था सैंपल, सपोज हमें ये पता लगा कि हमें 100 का सैंपल हमारे लिए ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने चूज किया 25 इस एरिया से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से। अब इन 25 में से भी आप ऐसे कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओस, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओस, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये इस तरीके से हमें। तो हमारा सैंपल अब रिप्रेजेंटेटिव होता जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से कर लिया, हमने क्या किया कि इसमें से हमारे पास लिस्ट आ गई कि इस डिस्ट्रिक्ट में 500 लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, उसमें से हमें 25 लेना है। तो अब 500 में से ये भी हो सकता है 500 की लिस्ट आपके पास में है और आपने क्या किया पहले 50 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे रैंडम सैंपलिंग करते हैं कि आपने 500 लोगों के नाम की पर्ची बना के डाल दी। मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी मेथड्स क्या होते हैं उनके डिटेल में, इसको एज इट इज मत लेना। तो आपने इसको रैंडम सैंपलिंग यूजली ऐसे बोलते हैं कि 500 लोगों के नाम की पर्चियां आपने डाल दी, उसको हिला दिया, उसमें रैंडमली 25 लोगों की पर्चियां निकाल ली, जो आ गए उनको आपने ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका बायस नहीं हुआ। या 500 लोगों की लिस्ट है उसमें से एक आप, अगर आपने पढ़ा होगा एक रैंडम टेबल आती है, रैंडम नंबर टेबल्स, उसका यूज करके हमने निकाल लिया कि उसमें जैसे निकल आएगा कि फिफ्थ केस, टेंथ, 25, इस तरह से 25 निकल आएंगे। निकालने का तरीका होता है रैंडम टेबल, आपको गूगल करोगे ऑनलाइन मिल जाएगी। तो जो जो नंबर उसमें हमें मिल गए, हमने ले उन उन नंबर्स के पेशेंट्स को हमने वहां से उठा लिया, ले लिया, तो हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गया। तो इसी तरह से 25 हम अलग अलग एरिया। तो अब ये इस तरीके से हमारा हम अपनी पॉपुलेशन को सैंपल को चूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, हमारे जो रिजल्ट्स आए वो बेटर रिजल्ट्स आए, वो रिप्रेजेंट करें हमारे पॉपुलेशन या यूनिवर्स जिसको हम बोल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करें। इतना क्लियर है जी? क्लियर। क्योंकि आप बीए एमए से सबसे पढ़ते हुए चले आएंगे ये सारी चीजें, कोई भी सिंपल तरीके से बहुत कम लोग बताते हैं, मतलब टेक्निकल टर्म्स में चले जाते हैं। तो मैं पहले सिंपल बता रहा हूँ, टेक्निकल जब आप करेंगे तो हम समझते जाएंगे। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंज करना है, आपको लगता है ऐसे नहीं ऐसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं ओपनली, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी आर कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। सैंपल डिजाइन मस्ट बी रिजल्ट इन ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। टिल नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब आपको पता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा, आप रिप्रेजेंटेटिव है ना, ठीक। और किसी, हाँ, सैंपल डिजाइन मस्ट बी सच विच रिजल्ट्स इन ए स्मॉल सैंपलिंग एरर। नाउ यू नो व्हाट इज सैंपलिंग एरर। तो सैंपल इस तरह से मेथड सैंपलिंग ऐसे करनी चाहिए जिससे कम से कम सैंपलिंग एरर हो। सैंपलिंग एरर क्लियर है सभी को? किसी को भी डाउट हो, जिसको डाउट है वो बोल सकता है कि नहीं पता है मुझे, ओके। नहीं तो आप चैट में लिख भी सकते हो, अगर माइक वगैरह काम नहीं कर रहा है तो वो भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। देन आता है सैंपलिंग डिजाइन मस्ट बी वायबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर द रिसर्च स्टडी। अब ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने 2000 लोगों का सैंपल ले लिया लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपने बोला एक महाराष्ट्र से लूंगा मैं 10 लोग, 10 लोग गुजरात से, 10 लोग आसाम से, 10 लोग बिहार से, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ट्रेवल करने के लिए, फिर कैसे लोगे? तो फंड्स हमारे पास अवेलेबल हो उस हिसाब से हमें चूज करना है। वैसे अगर फंड्स ही नहीं है, देखो फंडिंग होती है गवर्नमेंट एजेंसी करती है, लोग विदेश में जाकर रिसर्च करते हैं। तो अब
आपके पास अगर फंड्स नहीं अवेलेबल है तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, भाई हमारे पास है ही नहीं, पैसे ही नहीं है ट्रेवल करने के, इतना टाइम लगाने के, तो हम उस हिसाब से सैंपल चूज करेंगे। सैंपल डिजाइन मस्ट बी सच सो दैट बायस कैन बी कंट्रोल्ड इन ए बेटर मैनर या बेटर वे। जैसे मैंने बताया कि कहीं आप बायस ना, क्योंकि हम सब इंसान है, बायस हो सकते हैं, तो हम रैंडम सैंपलिंग का यूज कर लेते हैं कि एक हमारे पास टेबल है या नाउडेज कंप्यूटर इज देयर तो वो रैंडमाइज कर देता है, या हमने अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से लोगों को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, सो उससे हमारी सैंपलिंग एरर कम हो जाती है, बायस कम हो जाती है। ठीक है, सैंपल शुड बी सच दैट रिजल्ट ऑफ द सैंपल स्टडी कैन बी अप्लाइड, मींस जनरलाइज किया जा सके इन जनरल फॉर द यूनिवर्स विद ए रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हम स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या स्टडी जो हमारी है वो सैंपल पे डिपेंडेंट होती है। अगर सैंपलिंग एरर कम होगी तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी स्टडी को जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स के ऊपर। अब पॉपुलेशन और यूनिवर्स, यस क्या कहते हैं सैंपल, ये वर्ड्स क्लियर हैं क्योंकि ये बार बार आएंगे आगे। क्लियर है सभी को? यस सर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये तो हो गया सैंपल, कैसे हम डिजाइन हमारा होना चाहिए सैंपल सिलेक्ट करने का प्रोसेस। अब स्पेसिफिकली हम आएंगे कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, यानी कैसे आइटम्स पिक करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि रैंडम टेबल के थ्रू कर सकते हैं, है ना, उसी तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरह से और भी सैंपलिंग मेथड्स हैं, रैंडम सैंपलिंग है, ये जो सैंपलिंग है क्या होती है, कैसे हम सैंपल उठाएंगे अपनी पॉपुलेशन या यूनिवर्स से, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में टुमारो एट द सेम टाइम। इज इट ओके विद एवरीवन? यस सर। है ना, तो ये हम लोग करेंगे। कोई और आपका सजेशन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं? यू आर मोस्ट वेलकम। सर वर्षा मैम से बात हुई थी एक्चुअली, कोई आपके पास एमएससी और केस स्टडी की अगर कोई टेम्पलेट या कुछ हो तो आप प्लीज शेयर कर देंगे? अच्छा, तो वर्षा मैम ने आई थिंक किया तो है ग्रुप में।